भगवान ने देखा कि रुकुम की सेना है। भगवान ने उतने रूप धारण कर लिए, सारी सेना को तैस नैस कर दिया। जो रुकुम ने देखा कि सेना मारी गई, रुकुम कन्हैया के पास आ गया, कहने लगा श्याम हमसे युद्ध करो। कन्हैया बोले तुम हमसे युद्ध करोगे? बिल्कुल, बगैर युद्ध करे हमारी बहन को नहीं ले जा सकते हो, तुम समझ गए श्याम? कन्हैया रथ से कूदने को तैयार हुए। रुक्मणी ने हाथ जोड़ ली और कहा कि सुनो पिया, मेरा भैया बलवान है, आप रुक जाइए। कन्हैया कहने लगे इसका मतलब है रुक्मणी तुम हमें पकड़ के पिटवाना चाह रही हो। रथ से कन्हैया कूद पड़े, पहले तो रुकुम को खिलाते रहे, और जानते हो भगवान की माया में हर जीव बंधा हुआ पड़ा है, भगवान की माया में हर जीव बंधा हुआ पड़ा है। भैया मारने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी ने अपना आंचल फैला दिया और कहा कि मेरे भैया को मत मारो। भगवान कन्हैया ने बांध के रथ के पीछे बांध दिया। अब बहनों बैठ गई भैया गाय पीठ करके बिल्कुल टुकुर को देखने लगे। बलराम जी चले, उन्होंने सोचा कि कन्हैया कल से गए अभी तक ना आया। जब चले तो देखा, और जो देखा कन्हैया ने ताऊ भैया को आ दबाओ। रुक्मणी से बोले वरी गड़बड़ी हुई गई। क्या हुआ बाबा? भैया आए रहे, कन्हैया रथ के पीछे छुप गए। आते आते बलराम ने कहा कन्हैया तूने यादवों की नाक कटवा दी, क्यों इस लड़की को भगा के लाया तू? कन्हैया बोले भैया हमारे दोस्त ना आए, जाई ने चिट्ठी पठाइया कि ताप हो हम आए। क्यों लड़की? अपने माता पिता के नाम को डुबाने के बाद श्याम को बदनाम कर दिया, क्यों आई घर छोड़ के?
रुक्मणी बोली, दादाजी मेरा भाई मेरी शादी अपने साले ससपाल के साथ करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने धर्म की रक्षा करने के हित तुम्हारी कन्हैया को बुला लिया। क्या कहा? तुम्हारा भाई शादी अपने साले के साथ करना चाहता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों कन्हैया? ये रथ के पीछे कौन बंधा है? कन्हैया कहने लगे, भैया यही तो साले साहब है, वे तो तुम आए गए ना, साले में तो मसाले ही भर के छोड़ दे, छोड़ दो इसको। रुकुम को छोड़ दिया, ससपाल के पास पहुंचा। ससपाल ने 11 छोनी सेना तैयार की, कृष्ण रुक्मणी बलराम को चारों तरफ से घिरवा लिया। अब क्या हुआ? कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारका में आए। वैदिक विधान से रुक्मणी के साथ भगवान ने अपना पहला विवाह किया।